हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर फूड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके बूट स्टेम में। दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर है कि जेम्बेट्रॉन क्या होता है बूट स्टेम में, जेम्बेट्रॉन समझेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है दोस्तों कहाँ जाएगा, बूट स्टेम जो चैप्टर वाइज लर्निंग में, यानी ये वाली प्ले लिस्ट में जाएगा। आप लोग को यहाँ पे जाके स्टेप बाई स्टेप सारे वीडियो देखने हैं। यहाँ पे 7 वीडियो स्टेप बाई स्टेप आपको समझाया गया दोस्तों, आप उसको देखिए और आगे बढ़िए, अपने कोडिंग स्किल को इम्प्रूव करिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा CSS प्रोजेक्ट 2 चल रहा है अभी, आप लोग इसको भी अचीव करिए। बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनवाई जा रही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए CSS प्रोजेक्ट 1 हो चुका है, बहुत ही अच्छा वेबसाइट बनवाया गया है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट में जरूर आप लोग जाइए और वहाँ पे चेक कर सकते हैं आपकी क्या क्या हमारे यहाँ डेटा मौजूद है। इससे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अभी जाने वाले हैं दोस्तों, अभी तो ये सब एग्जाम्पल है छोटे छोटे, इससे अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट हम लोग हैंडल करेंगे। ओके दोस्तों, बिना देरी के चलते अपने VS कोड में और जेम्बोट्रॉन को समझ लेते हैं। जेम्बोट्रॉन कुछ नहीं दोस्तों, जेम्बोट्रॉन क्या है देखिए, मैं शिफ्ट के साथ नॉट इक्वल टू प्रेस करता हूँ। सबसे पहले एक पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एन कंट्रोल एस करूंगा, इसको डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूंगा और jembotron.html। ओके, इसका मैंने नाम दे दिया। अब ये HTML है, सबसे पहले शिफ्ट के साथ नॉट इक्वल टू प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट को हम लोग चेंज करेंगे, है ना, जम्बोट्रॉन मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है, ये टाइटल हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आ जाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो लिंक चाहिए हमें बूट स्टेप 5 की दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे बूट स्टेप 5 इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बूट स्टेप 5 एंड यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले CSS का लिंक कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे देखिए CSS का लिंक कॉपी कर लूँगा यहाँ पे और हेड में डाल दूंगा इसको, है। तो आप CSS के लिंक को हेड में डालिए और जो इसका स्क्रिप्ट का लिंक है यानी कि ये वाला जो लिंक है उसको कॉपी करके आप नीचे डालिए, है ना, यानी कि बिल्कुल नीचे यहाँ पे। तो अभी आपको दो ही लिंक चाहिए, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लिंक है लेकिन आपको अभी फिलहाल दो ही यूज करना है, जब हम लोग सीखेंगे कि इसका कब यूज करना है। ओके, फिलहाल आपको यही दोनों यूज करना है, CSS और JavaScript। ओके, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं अपने पेज में। सबसे पहले क्या करता हूँ, आप लोगों को मैंने बताया था कंटेनर का यूज क्या होता है, कंटेनर फ्लूड क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने सीखा था। ओके, एक कंटेनर ले लेता हूँ इस तरीके से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेनर। ओके, कंटेनर ले लिया मैंने एक, यहाँ पे आ जाता हूँ और इसका मैं वर्टिकल हाइट VH मतलब वर्टिकल हाइट मैं इसका कितना रखता हूँ 100, ठीक है, और यहाँ पे रखता हूँ BG-Danger ताकि मुझे पता चले कि ये कहाँ पे बना। ओके, मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ करूँगा, कंट्रोल ओ करता हूँ इसको और यहाँ पे देख लूँगा कि कहाँ पे बन रहा है। तो जेम्बोट्रॉन ये लिखा है मैंने, जेम्बोट्रॉन होता है दोस्तों। ओके, यहाँ पे आ गूँ, ये देखिए ये बन गया हमारा। अब हमारा जेम्बोट्रॉन हमें समझना था दोस्तों, जेम्बोट्रॉन होता क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे आके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें पता चल गया है कि अब हमारा कंटेनर यहाँ पे बन चुका है। ओके, यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर एक जेम्बोट्रॉन अगर आपको लगाना है दोस्तों, जेम्बोट्रॉन सबसे पहले तो एक H1 में लिख देता हूँ कुछ, यानी कि एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेम्बोट्रॉन एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से लिख दिया दोस्तों। ओके, और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, एक क्लास जो मैंने पढ़ा था हम लोगों ने, इसका भी प्रैक्टिस कर लेते, क्लास डिस्प्ले लगाता हूँ। डिस्प्ले देखिए अभी ये कैसा दिख रहा है ना, क्लास लगाने से पहले ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे आके रिलोड करूँ तो ये देखिए इस तरीके का दिखता है। अगर आप क्लास लगाते हैं इसमें, क्लास इसका डिस्प्ले वन करते हैं, डिस्प्ले -2 या 1 जो भी आप करना चाहें, मैं 2 कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए अब ये क्या होगा, इसमें कोई चेंजेस होंगे थोड़ा, ये देखिए, है ना, कितना अच्छा है। अब क्या करना है हमें, जेम्बोट्रॉन समझना है, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, एक ये जेम्बोट्रॉन का आप यहाँ पे डिव ले लेता हूँ मैं डॉट लिखता हूँ, डॉट जेम्बोट्रॉन और इंटरप्रेस करूँ तो देखिए एक डिव बन के आ जाएगा जेम्बोट्रॉन, है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे जेम्बोट्रॉन लिखते यहाँ पे। अब इसमें क्या होता क्या है एक्चुअली, मैं यहाँ पे H2 या H1 से कुछ भी लिख दूंगा, H1 में मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ जेम्बोट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया दोस्तों। अब जेम्बोट्रॉन अभी क्या होता है, अभी आप लोग समझ जाएंगे। फ्री टैग में ले लेता हूँ कुछ, मैं फ्री टैग में ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा कंटेंट ले लेता हूँ, कुछ डमी कंटेंट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पड़ा हुआ है मेरे पास, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फ्री टैग में डालूंगा, कंट्रोल सी करके यहाँ पे आके फ्री टैग यहाँ पे मैंने इंटरप्रेस कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा अरेंज हो जाए। अब मैं आके यहाँ पे रिलोड करता हूँ, यहाँ पे आ जाऊँगा अपना जो चैप्टर है रिलोड करूँ तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जो क्लास हमने लगाए थे जेम्बोट्रॉन, ये नहीं लगाएंगे बूट स्टेप 5 में, इसको नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसी बॉक्स में क्या देंगे, empty-4 अगर देंगे आप तो यानी कि मार्जिन टॉप -4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मार्जिन टॉप -4 अगर मैं लगाता हूँ तो रिलोड करूंगा, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर से आया ये। अब इसके अंदर बॉक्स के अंदर थोड़ा सा हम लोग पैडिंग देंगे ताकि ये जो है क्या हो जाए,
P5 देंगे अगर आप P5 तो ये देखिए पूरा अंदर से थोड़ा मूव हो जाएगा, ठीक है, रिलोड करूंगा ये देखिए पूरा मूव हो गया। अब इतना बड़ा अगर बॉक्स जंबोट्रॉन मतलब बूटस्ट्रैप 3 में आया था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप 5 में उसका जंबोट्रॉन का यहाँ पे लिखते यूज नहीं कर सकते। अगर बूटस्ट्रैप 3 में जंबोट्रॉन लिखते थे तो यहाँ पे इस तरीके का बॉक्स आता था, ओके। लेकिन अगर आपको बूटस्ट्रैप 5 में जंबोट्रॉन यूज करना है तो यहाँ पे जंबोट्रॉन लिखना नहीं दोस्तों, बस इस तरीके से थोड़ा सा पैडिंग और मार्जिन दे देना है, आपका बॉक्स बन जाएगा पूरा। ये देखिए अब इसका जो कलर है यानी टेक्स्ट कलर है उसको मैं व्हाइट रखता हूँ, जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं टेक्स्ट व्हाइट रख देता हूँ बस, और अच्छा दिखेगा। ये देखिए है ना टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है, ये मैं आके रिलोड करता हूँ। ये देखिए आप देखिए कितना अच्छा बना यहाँ पे दोस्तों, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगा है ना। मैं यहाँ पे कितना भी इसको छोटा कर दूँ, ये देखिए मैं छोटा करता हूँ इसको, ये देखिए अपने आप में ये अरेंज हो जाएगा, अपने आप से ये पूरा अरेंज कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप बॉक्स बनाते हैं दोस्तों, जंबोट्रॉन इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जंबोट्रॉन आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे क्लास नहीं लगाना जंबोट्रॉन। बूटस्ट्रैप 3 और 4 में ये हम लोग लगाते थे क्लास, लेकिन अब क्या करना है यहाँ पे आपको MD4 देना है, यानी कि मार्जिन टॉप थोड़ा सा ऊपर से मूव हो जाए और पैडिंग देना है अंदर से थोड़ा मूव हो जाए, यानी अंदर से जो फैल गया बॉक्स ये हो जाए, है ना। अगर आप चाहें इसमें जो है टेक्स्ट सेंटर भी लगा सकते हैं, ओके, इसमें जो टेक्स्ट है उसको सेंटर करेंगे आप TXT-Center, इस तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हैं टेक्स्ट सेंटर तो देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट सेंटर में चला गया। अब इस तरीके का अगर बॉक्स बनाना है दोस्तों तो आप क्या यूज करेंगे, एक डिप लेंगे उसमें जो है क्लास देंगे इस तरीके का, है ना, और आपका बॉक्स रेडी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है हमें पूरा पूरा बॉक्स ऐसे ही एक बना देना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक डिप लेना है, उसमें P5 देना है, यानी कि पैडिंग 5, यानी थोड़ा पैडिंग हो जाए, बीजी प्राइमरी आपको बीजी कलर जो रखना है वो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेक्स्ट वाइज यानी कलर का टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर है, और ये टेक्स्ट सेंटर जो लगाया गया वो सेंटर के लिए, ओके दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं। और आपको इससे अच्छे अच्छे अच्छी वीडियो और जाएगी दोस्तों, समझने में भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल करने के बाद आपको जवाब मिलेगा दोस्तों और लाइव सोल्यूशन मिलेगा, यानी आपको किसी भी प्रोजेक्ट में अपने भी प्रोजेक्ट में आप मेरे से चैप्टर से रिलेटेड आउट ऑफ सिलेबस आप कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुई है तो आप जरूर हमें कॉल करिए, मतलब ईमेल करिए, और मैं आपको जो है लाइव सोल्यूशन दूंगा, यानी लाइव बोले तो जूम मीटिंग लूंगा आपसे, अरेंज करूंगा तुरंत और तुरंत आपको सोल्यूशन दूंगा, ओके दोस्तों। बिना देरी के चलता हूं मैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।